हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस मिथ बस्टर सीरीज में। एक और ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड मिथ को मैं तोड़ने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऑस्टियोपोरोसिस का जो डायग्नोसिस है वो तभी होगा जैसे गिरने से हड्डियाँ टूटेंगी। तो दोस्तों, मैं इसको समझाना चाहता हूँ, एक मिथ है कि गिरने से ही हड्डियाँ टूटेंगी। ऑस्टियोपोरोसिस के बिना गिरे नहीं टूट सकती है। इसको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण से आपको ये समझाता हूँ कि हड्डियाँ नरम किसे कहते हैं। हड्डियाँ नरम का मतलब है, सोचिए एक लकड़ी है जो कि दीमक खाई जैसी खोखली हो गई है। अगर ऐसी दीमक खाई जैसी खोखली हड्डी है आपकी, तो वो किसी भी तरह टूट सकती है। मतलब कि ज़रूरी नहीं है आपको फॉल हो। बहुत सारे पेशेंट क्रॉनिक बैक पेन के साथ फेस कर रहे होते हैं और पता चलता है कि उनकी हड्डियाँ जो है अपने आप ही पिचक गई हैं। बैक की हड्डियाँ जो वर्टिबल बोन्स है वो पिचक गई है। तो स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर मतलब बिना कुछ किए बिना चले हड्डियाँ टूट सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस में गिरने की ज़रूरत नहीं है, गिरने से नहीं, सडन ट्विस्ट एंड टर्न से, जैसे रिब फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। ज़ोर से सांस लिया आपने या प्राणायाम टाइप का कुछ किया और उससे हड्डी टूट गई। कोई सामान भारी नीचे से उठाया उसमें आपकी रीढ़ की हड्डी पिचक गई या कूल्हे की हड्डी टूट गई। तो ये सारी चीज़ें ऑस्टियोपोरोसिस के साथ हो सकती है। जैसे दीमक खाई लकड़ी बहुत समय अपने आप ही टूट के गिर जाती है, उसी तरह ऑस्टियोपोरोसिस में बोन अपने आप टूट सकती है। गिरने से टूटेगी ऐसा मत सोचिए। अगर गिरने से मेरी हड्डी नहीं टूटी है, दैट डजंट मीन कि आपका ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है। अगर आपका ऑस्टियोपोरोसिस है, उसका डायग्नोसिस डेक्सा स्कैन से डॉक्टर करते हैं। उनको आप सही से अपने स्कैन्स को करके दिखाएं और उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट ज़रूरी है। तो ऐसा ये एक कम्प्लीटली मिथ है कि हड्डियाँ सिर्फ गिरने से ही टूटेगी, नहीं गिर के भी टूट सकती है।